दोस्तों नमस्कार। भारत एक मसाले का देश कहा जाता है। इतना ही नहीं, तरह तरह की सब्जियां भी हमारी पहचान है। लहसुन सदियों से हमारी रसोई का हिस्सा रहा है। लहसुन की एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्राकृतिक के कारण औषधीय गुण होते हैं। यह गुण एलिसिन कंपाउंड के कारण है। यह फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम और विटामिन सी एंड विटामिन के भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आओ जाने इसके फायदे। नंबर एक, लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन कंपाउंड LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को रोकता है तथा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और दिल की सेहत में सुधार करता है, इसलिए हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। नंबर दो, लहसुन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद एलियम के कारण खून की धमनियों को बढ़ाता है और ये रक्तचाप को सामान्य रखने में मदद करता है। नंबर तीन, कच्चे लहसुन को डाइट में शामिल करने से पाचन से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। यह आंतों को फायदा पहुंचाता है। यह जलन को कम करता है तथा कच्चा लहसुन खाने से पेट के कीड़े मरते हैं। खास बात यह है कि यह खराब बैक्टीरिया को ख़त्म करके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। लहसुन में जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है तथा विटामिन सी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। यह आँख व कान के इन्फेक्शन में काफ़ी मदद करता है। नंबर चार, लहसुन में ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसके कारण यह फेफड़े, प्रोस्टेट, ब्लैडर, पेट, लीवर और पेट के कैंसर से शरीर की रक्षा करता है। लहसुन का एंटीबैक्टीरियल एक्शन अल्सर को रोकता है क्योंकि यह आंत में इसे बढ़ने नहीं देता। नंबर पाँच, लहसुन हमारे शरीर में फैट जमा नहीं होने देता। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को और ज़्यादा फैट को कम करता है, इसलिए यह हमारे वज़न घटाने में भी काफ़ी मददगार है। नमस्कार।